ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वास्थ्य रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। आज ज्योतिष की चर्चा में हम जिस योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, उस योग का नाम है कूट योग। यह कूट योग जन्मपत्री में कैसे बनता है और इसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इस योग को समझने से पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 12 भाव कौन से होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुंडली में आपके भाव में जो राशि लिखी हुई है, जो अंक लिखा हुआ है, वह वही भाव है। अर्थात अगर कहीं 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तृतीय भाव है। तो भाव का अंक कभी नहीं लिखा होता। इसे आप अच्छी तरह से समझने के लिए कि कुंडली में कौन सा भाव, क्या नाम है इस भाव का और ये कौन सा भाव है, इसे समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कूट योग के बारे में। कूट योग जन्मपत्री में कैसे बनता है। ज्योतिष में कुछ नाभस नाम के योगों की चर्चा की गई है। नाभस योगों के अंतर्गत ही यह कूट नाम का योग आता है। और जिस जातक की जन्मपत्री में चतुर्थ भाव से लेकर दसम भाव तक सभी ग्रह होते हैं, उनकी कुंडली में कूट नाम का योग बनता है। इन ग्रहों में राहु और केतु को नहीं लेना चाहिए, उनकी गिनती इसमें नहीं करनी चाहिए। और चतुर्थ भाव से लेकर दसम भाव तक जितने भी भाव आएंगे उनमें एक एक ग्रह होना चाहिए। और यह जरूरी नहीं है कि सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल हो, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो सकता है। तो ऐसे में कूट योग बनता है। इस योग का प्रभाव कैसे होता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक कुछ असत्यभाषी हो सकते हैं, असत्य बोलने वाले हो सकते हैं। और इस योग के प्रभाव से जातक कोई जेल का अधिकारी हो सकता है, जेल का वार्डन हो सकता है, जेल का प्रमुख अफसर हो सकता है। और कूट योग में जन्म लेने वाले जातकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन की अच्छी तरह से बचत नहीं होती, खर्चा अधिक होता है, धनहीनता की संभावना रहती है। जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ता है। कूट योग में जन्म लेने वाले जातक परोपकारी नहीं होते, दूसरों का काम करने वाले नहीं होते। अक्सर ऐसे जातक दूसरों का काम नहीं करते, अपने ही काम से मतलब रखते हैं, अपने ही काम के ऊपर ऐसे जातकों का ध्यान रहता है। और कूट योग में जन्म लेने के प्रभाव से जातक का स्वभाव कुछ कठोर हो सकता है, कुछ क्रूर स्वभाव भी ऐसे जातकों का हो सकता है। और ऐसे जातक किसी पर्वत स्थान के ऊपर रह सकते हैं, अर्थात किसी ऐसे स्थान के ऊपर रह सकते हैं, ऐसे स्थान में रह सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा हो, जहां पर पहुंचना कठिन हो, बहुत से दुर्गम रास्ते से जहां पे जाना पड़ता हो, किसी किले में रह सकते हैं जहां पे भारी सुरक्षा की व्यवस्था हो, किसी ऐसे घर में, बिल्डिंग में रह सकते हैं जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हो और उसकी विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाता हो। तो ये योग है कूट योग। और कूट योग जैसे मैंने बताया, चतुर्थ भाव से लेकर दसम भाव तक सभी ग्रह जब होते हैं,
राहु और केतु को छोड़कर प्रत्येक भाव में एक एक ग्रह होना चाहिए और बीच में किसी ग्रहों का कंजक्शन नहीं होना चाहिए। दो ग्रहों की युति इस योग में नहीं होनी चाहिए और ग्रहों का क्रम जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले वीडियो के पहले फोटो में दिखाया जाएगा, तो वह एक उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो यह है कूट योग। यदि आपकी जन्मपत्री में भी कूट योग बनता है तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और मेरा प्रयास रहता है कि जैसा ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है वैसे का वैसा आपको बताया जाए, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से फेर बदल ना किया जाए और ऐसी बातें भी ना की जाएं जो जातक को मीठी लगें, अर्थात मीठी मीठी बातें भी ना की जाएं, जातक को सत्य बताया जाए, चाहे वो कटु हो, सुनने में अच्छा ना लगे, क्योंकि वैद्य डॉक्टर और ज्योतिषी इनको कभी कोई बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए, जैसी स्थिति हो उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सह किम सखा यह साधु न शास्त्री, वह कैसा मित्र जो सच्चाई सच न बोले, अर्थात अपने मित्र के सामने सच्ची बात न कहे। तो भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें। आज हमने चर्चा की कूट योग के बारे में, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें।